प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में पीएम केयर फंड से निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन महापौर सीताराम जायसवाल द्वारा फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी सहित अन्य चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत डीआरडीओ द्वारा स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिससे महिला अस्पताल में निर्बाध ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी और कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने पाएगी। जिसके संबंध में जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट की 1 मिनट में 1000 लीटर की क्षमता है। 24 घंटे मरीजों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख अधीक्षिका डॉक्टर नीना त्रिपाठी और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, रुक जाइएगा इधर से आप चलाइए। लीटर्स पर मिनट का है ये इसका कैपेसिटी, और ये बहुत लाभदायक रहेगा। 2400 घंटे हमारे यहाँ जितने भी मरीज भर्ती होंगे उनको मिलता रहेगा। भविष्य में कभी कोविड की फिर समस्या आई, हो सकता है सरकार यहाँ कोविड पेशेंट्स को यहाँ भर्ती करे, हमारी महिलाओं को कहीं और एडजस्ट करे, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये नॉन स्टॉप सर्विस इसका मिलता रहेगा। विश्वकर्मा पूजा है और भारत में हर जगह विश्वकर्मा पूजा हो रही है। ये हमारे निर्माण के देवता हैं। कोई भी निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है तो इनकी पूजा अर्चना की जाती है और उस प्रोजेक्ट को आशीर्वाद हमारे विश्वकर्मा जी देते हैं। इस उन्हीं के
इसी दिन विश्वकर्मा पूजा के दिन ही महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का DRDO-2 द्वारा लगाया गया है और हमारे अधीक्षिका और हमारे CMO साहब ने बताया है कि अभी पुराने बिल्डिंग में जो 200 के करीब बेड है सारे पर पाइपलाइन से मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा। इसकी गुणवत्ता की जांच होने के बाद ये काम किया जाएगा। मुझे बहुत ही खुशी है कि आज मोदी जी का भी जन्मदिन है और इस मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इस प्लांट का उद्घाटन किए हैं, जिससे यहाँ के गोरखपुर के जनता के विशेषकर महिलाओं को, जो प्रसूता महिलाएं हैं जिनका यहाँ पर ऑपरेशन होता है, उसको काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी जी का क्षेत्र है और भारत सरकार की योजना है कि हर सरकारी हॉस्पिटल पर प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑक्सीजन लगाया जाए। पिछले दिनों सदी की सबसे बड़ी त्रासदी जो कोरोना आया था, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक काम किया है। ये भारत के इतिहास में ऐसा अच्छा काम करके भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है, इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी लाभ मिलेगा। एक इसका उद्घाटन किसी न किसी केंद्रीय मंत्री या सांसद को करना था, लेकिन आज उनको शहर में उपस्थित नहीं है क्योंकि मोदी जी का जन्मदिन है। मुझे जिम्मेवारी दी गई थी कि मैं इसका उद्घाटन किए और मुझे बहुत ही हर्ष है, खुशी है कि CMO साहब और हमारी अधीक्षिका और हॉस्पिटल के सभी हमारे डॉक्टर्स और सभी हमारे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, इनके इसको काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर गोरखपुर में महिलाओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा ऑक्सीजन के माध्यम से मिलेगी। ऑक्सीजन मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ऑक्सीजन के बिना एक मिनट भी आदमी नहीं रह सकता है। ये हमारे प्रकृति में उपलब्ध है, लेकिन गंभीर मरीजों को जब सांस लेने में परेशानी होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी और योगी जी के नेतृत्व में ये सभी जगह पर, कि आगे किसी तरह की त्रासदी आए उस पर हमारे डॉक्टर उसका डट कर मुकाबला कर सके, कहीं से गैस सिलेंडर न लाना पड़ेगा। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गोरखपुर वासियों की तरफ से देता हूँ। जय हिंद।